हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज 12वीं परीक्षा से संबंधित बड़ी न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है। क्या न्यूज है कि 12वीं परीक्षा जनरल प्रमोशन के लिए, 12वीं परीक्षा में जनरल प्रमोशन देने के लिए दोस्तों एबीपीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्या परिषद ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या ज्ञापन सौंपा है, क्या नोटिस दिया है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये उस नोटिस में क्लियर बोला गया है कि जो 9 जून से आपके एग्जाम हो रहे हैं वो एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए और जनरल प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए। तो क्या न्यूज है वो हम देख लेते हैं पूरी सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या है 12वीं परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत और जो 4 जून 2020 को इसको प्रिंट आउट किया गया था और 7 जून 2020 को दोस्तों इसको सरकार को ज्ञापन के लिए सौंपा गया है, सरकार को दिया गया था, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है दोस्तों कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो दोस्तों उन्होंने बोला है कि या तो जनरल प्रमोशन दे दिया जाए या जो परीक्षा की तारीख है वो 9 जून ना रखकर उसको आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में कराई जाए। पूरी न्यूज क्या है, वैश्विक कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की 9 जून को होने वाली शेष परीक्षा को आगे बढ़ाने हेतु आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन भेजा है। जो अभाबीप यानी कि इसका मतलब है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री श्री नीलेश सोलंकी ने बताया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कक्षा 12 की परीक्षाएं 9 जून को आयोजित करना असंभव सा दिख रहा है। तो दोस्तों इस टाइम पर कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा भयानक प्रकोप हो रहा है मध्य प्रदेश में भी दोस्तों, तो 12वीं की जो परीक्षाएं 9 जून को आयोजित करना असंभव सा दिख रहा है। साथ ही इस स्थिति को देखते हुए छात्र अभिभावक अपने आप को असुरक्षित कर रहा है। तो आप जो छात्र हैं दोस्तों, साथ ही छात्रों के जो माता पिता यानी अभिभावक हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं आगे कहा गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही मानना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा व उनके भविष्य को देखते हुए घोषित परीक्षा तिथि में परीक्षाएँ आयोजित कराना उचित नहीं है। तो 9 जून से जो आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं उस परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया जाए, ये जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है। अतः प्रदेश सरकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ आग्रह करती है कि छात्र की सुरक्षा की दृष्टि से एवं वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। साथ ही प्रदेश सरकार से शासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए छात्रों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था करते हुए आगामी परीक्षा का आयोजन किया जाए। यानी कि इनका कहना है कि आपकी जो 9 जून से परीक्षाएँ होनी है उन परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो आपकी परीक्षाएँ उनको अब जुलाई में कराई जाए। अभी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि 9 जून से एग्जाम है और अभी आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि एग्जाम कैंसिल होंगे या आपके एग्जाम में जो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो अभी ऐसा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मान्य नहीं होगा कि आपके एग्जाम कैंसिल हुए हैं या जो एग्जाम डेट है उसको इंक्रीज कर दिया है यानी आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अभी जो आपके जो एग्जाम्स हैं 9 जून से ही होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारियों को जारी रखें, इस तरह की न्यूज़ पर बिलीव ना करें। अगर इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, और ऑफिशियल नोटिस आता है कोई भी कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं तो भी मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो SBG चैनल को 12वीं परीक्षा से संबंधित हर एक अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।